हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है आप सभी के? आ चुके हैं पबजी लाइट की एक और ब्रांड न्यू वीडियो को लेकर। एंड आज के इस वीडियो में होने वाले क्रिश प्रॉब्लम को 100% फिक्स करने के लिए टोटल 4 टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। तो आप लोग आज की वीडियो एंड तक देखना, और जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा वो आप लोगों को ध्यान पूर्वक सुनना है, तभी आप लोग अच्छी तरह से ट्रिक को अप्लाई कर पाओगे और पबजी लाइट में होने वाले क्रिश प्रॉब्लम को फिक्स कर पाओगे। आज की वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यार, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, जब भी आप लोग गेम खेलने जाते हो तो आपको गेम को दो बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा। जब आप मैचिंग लॉबी में रहते हो और 60 प्लेयर ज्वाइन हो जाते हैं तब आपको रिस्टार्ट करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मैचिंग लॉबी में 60 प्लेयर ज्वाइन हो गए और यहाँ पर मैंने रिस्टार्ट कर दिया। सेम ऐसे ही आपको गेम को रिस्टार्ट करने, जैसे कि आप लोग देख सकते हो अब मेरा गेम ओपन हो रहा है और यहाँ पर मैं फ्लाइट में बैठा हुआ हूँ, और अब मुझे जहाँ लैंडिंग करना होगा वहाँ लैंडिंग करके धूम मचा दूंगा, मतलब कि खूब बंदे को मारूंगा, समझ रहे हो। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दूसरी बार गेम को रिस्टार्ट कब करने हैं। तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है, जब भी आपके गेम में 30 प्लेयर से लेकर 25 प्लेयर्स तक अलाइव बचते हैं तब आपको अगेन रिस्टार्ट करने हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गेम में दो बार रिस्टार्ट कब कब करना है। सेकेंड ट्रिक में आपको कभी भी स्केटबोर्ड यूज नहीं करना है, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ चलो आपको नतीजा दिखा देता हूँ। जब भी आप गेम के अंदर स्केटबोर्ड यूज करोगे और गेम को रिस्टार्ट करोगे तो कई बार ऐसा हो जाएगा कि आप गेम के अंदर एंट्री ही नहीं ले पाओगे, समझ रहे हो। तो लाइव प्रूफ नतीजा आपके सामने है, गेम के अंदर कभी भी आपको स्केटबोर्ड का प्रयोग या फिर स्केटिंग यूज नहीं करनी, ओके। अब बात करते हैं थर्ड ट्रिक में आपको क्या करना है। थर्ड ट्रिक में आपको कभी भी व्हीकल या फिर गाड़ी यूज नहीं करना है। अगर आपने मोटरसाइकिल, डासिया या फिर यूएजेड ईटीसी व्हीकल यूज किया तो नतीजा आपके सामने है। तो यार, आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं व्हीकल यूज करने के लिए क्यों मना कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी फोर्थ ट्रिक बाकी है, वो भी बताऊंगा आप लोगों को, तो वीडियो में बने रहना। अगर आप लोगों को बीसी परचेज करने में कोई दिक्कत आ रही है, विनर पास लेना है या फिर किसी भी क्रेट ओपनिंग के लिए बीसी परचेज करवाना है, तो स्क्रीन पर आप लोगों को मेरा व्हाट्सअप नंबर एंड कॉलिंग नंबर देखने को मिल जाएगा। यहाँ से इजीली डीएम करके फुली ट्रस्टेड बिना किसी स्कैम के बीसी परचेज करवा सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फोर्थ ट्रिक कौन सी है। और एक बात याद रखना, फोर्थ ट्रिक को तभी आप लोगों को अप्लाई करने हैं जब आपके गेम में मेरे बताए गए हुए 3 टिप्स एंड ट्रिक्स वर्क नहीं करते हैं, तब आपको फोर्थ ट्रिक अप्लाई करने हैं। फोर्थ ट्रिक में आपके अकाउंट में जितने भी स्किन्स है, जैसे गन्स की, बैग्स की, व्हीकल्स की, पैरासूट की, हेलमेट की इत्यादि जितने भी स्किन्स हैं, सभी स्किन्स को हटा देने हैं और फिर गेम को स्टार्ट करने हैं। फिर आप गेम स्टार्ट करोगे तो आपको गेम के अंदर क्रेश प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, ओके फ्रेंड्स। मेरे बताए गए हुए टोटल 4 टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे तरह से अप्लाई करते हो तो 100% आपका क्रेश प्रॉब्लम फिक्स हो जाने वाला है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो अपने तक ही सीमित मत रखना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना ताकि उनका भी क्रेश प्रॉब्लम फिक्स हो सके। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, 300 लाइक्स की एम है तो फटाफट से कंप्लीट करवा देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।